जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग श्री सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। बहुत से जो रिटेल भाई बहन है उनका पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है और हम सभी जानते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस बहुत दिनों से नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो एक दिन में तकरीबन 3% के आसपास आपको इस स्टॉक में ग्राउंड देखने को मिली है और सबसे जो दिक्कत वाली बात है कि इस स्टॉक में ज्यादातर लोअर सर्किट ही लगा रह रहा है। अब हम सभी जानते हैं कि जब लोअर सर्किट लगता है किसी स्टॉक में तो फिर बेचने के समय बहुत दिक्कत आती है। कोई भी व्यक्ति मतलब जो स्टॉक लोअर सर्किट में होता है उसको सेल नहीं कर पाता, तो यहाँ पे वो लोग फंसे हुए हैं और कैसे वो बाहर निकल सकते हैं जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या इस स्टॉक से बाहर निकलना जरूरी भी है या घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब अभी होल्ड करके चल सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के सोच से आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी जरूरी होगा चीज उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस स्टॉक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर इस स्टॉक का थोड़ा सा डिटेल ले लें। तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ सिक्योरिटीज लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है और बीएससी की वेबसाइट पर आपको स्पष्ट दिखेगा कि स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग ना है, यानी कि ना तो ये स्टॉक ईएसएम ना ही जीएसएम कैटेगरी में, फिर भी इस स्टॉक में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। गिरावट के पीछे की वजह को समझेंगे आगे। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग समझ रहे हैं बात क्या है। यहाँ पे देखेंगे लोअर सर्किट लगते हुए दिखा है कल के डेट में, हालांकि आज तो मार्केट बंद है लेकिन उम्मीद है कि अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा उस दिन भी लोअर सर्किट लगे, क्योंकि लगता ये देखें यहाँ पे लिखा है ट्रेडेड ऑन न्यू बाउंड विक लो वैल्यू, मतलब अपने साल भर के सबसे निचतम स्तर पे अभी से स्टॉक का प्राइस ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे एक चीज आपको देखेगा कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसके जो निवेशक हैं उनको डिविडेंड देने की विचार कर रहे हैं। डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा अपने जो शेयर होल्डर्स उनके साथ शेयर करती है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है। यदि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो ये कैसे अपने निवेशकों को डिविडेंड दे सकती है, और यदि लॉस में होगी तो जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी अपने घर से तो पैसा देगी नहीं। तो लेकिन यहाँ पे इस तरह की न्यूज फैलाई जा रही है ताकि जो इसके निवेशक है घबरा के इस कंपनी के शेयर्स को सेल ना करें और अपने पास होल्ड करके रखें। तो ये मोटा मोटी बात है, मैंने यहाँ पर समझाया। आप चलते हैं वहां पर डिटेल्स में समझते हैं इस सभी बातों को। यहाँ पर समझेंगे श्री सिक्योरिटी लिमिटेड जो कंपनी है इसके यदि हम लोग काम को समझे, क्योंकि सभी चीजों को डिटेल में समझना जरूरी है तब जाकर कंक्लूजन में पहुंचेंगे हम लोग कि हमें करना क्या है। ये कंपनी आपको इन्वेस्टिंग करती है, फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हुए नजर आती है, फाइनेंशियल जगत से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल बहुत वीक है। काम तो काफी बढ़िया है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। काम के भी यहाँ पे सिर्फ शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है, काम के साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल भी देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे काम इसका जो है अच्छा लगा, लेकिन फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 30 करोड़ से भी कम का वैल्यूएशन है, जिसको इजीली कोई भी व्यक्ति मतलब जिसके पास थोड़ा पैसा है वो इसको मैनिपुलेट कर सकता है। और इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओसी है माइनस में -82%, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है वो तो भूल ही जाइए, हो सकता है कि आपका पैसा माइनस में भी चला जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में देखेंगे यहाँ पे तो इस कंपनी में जो भी व्यक्ति पैसा लगाया है उसका पैसा तो नीचे ही आपको जाते हुए दिख रहा है। जब एक साल के चार्ट पर आप इस कंपनी को देखेंगे तो एक साल चार्ट पर देखिए ये इसके लिए मेजर कर सकते हैं कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था 40 पैसा का लेवल, लेकिन 40 पैसा के लेवल को भी प्राइस तोड़ के नीचे आ गया और अभी देखेंगे तो 35 पैसा के आसपास ट्रेड करते हुए नीचे नजर आ रहा है। और उम्मीद है कि 35 पैसा के लेवल को भी जल्दी ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है प्राइस को नीचे आने के संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उम्मीद था प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर गया भी लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो हावी है। जो लोग देखिए ऑपरेटर्स ने क्या किया, यहाँ पे जिन जो लोगों ने बाई किया उनको फंसाया, फंसाने के बाद फिर से यहाँ पे जब डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बनाए, डब्ल्यू का फॉर्मेशन जब भी बनता है चार्ट पर प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पर भी कुछ लोगों को फंसाया गया क्योंकि डबल बॉटम बना था, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना था ऊपर गया, लेकिन फिर से कुछ लोग यहाँ पर भी फंसे होंगे और ऑपरेटर्स ने फिर से यहाँ पर चाल चल दिया और फिर प्राइस इतना नीचे आ गया। तो इसमें देखिए कंपनी का फंडामेंटल वीक है, यही एक दिक्कत है। और पेनी स्टॉक में ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स से घबराना नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है तो हम ऑपरेटर्स के साथ मिलकर पैसा कमाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनी के, देखिए कंपनी के जो भी काम करती है उसमें कंपनी की कोई कमाई नहीं हो रही है। कंपनी के खर्चे जो है, कंपनी चलाने तो खर्चे तो लगेंगे, मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसमें 14 करोड़ के आसपास कंपनी का खर्च हुआ है जबकि कमाई कुछ नहीं हुई है। इस वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये देखिए माइनस में चला गया है 14 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 20,000 के आसपास कंपनी का परसेंटेज में निगेटिव में है, यानी कि ओवरऑल बहुत ही कह सकते हैं कि रॉस्ट एकदम इस कंपनी का फंडामेंटल है, जिस वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगता है नीचे की तरफ आपको आते हुए दिख रहा है। इसमें जब आप कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखिएगा कंपनी के पास रिजर्व के नाम पे
माइनस में पैसा है, रिजर्व कंपनी के पास सही नहीं, कैसी स्टॉक, कैसा कंपनी है जिसके पास कुछ नहीं है, कर्जा नहीं है, अच्छी बात है लेकिन कर्जा होगा कहाँ से, कंपनी कंपनी का कोई काम धाम ही नहीं चल रहा। तो ओवरऑल बात यही है कि श्री सिक्योरिटी लिमिटेड का इतना बुरा हाल है कि आपके पास इसमें इन्वेस्टमेंट है तो मैं इसमें बने रहने की सलाह नहीं दूंगा। 35 पैसा के आसपास सभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, 35 पैसा से नीचे यदि इसका प्राइस आता है आप अपने सारे शेयर्स को मार्केट प्राइस पे वहां पे डेप्थ में आपको दिख जाता है कितना ऑर्डर्स लगा हुआ है बाई सेल में, उसके हिसाब से धीरे धीरे क्वांटिटी अपना निकाल सकते हैं। क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाले और भी तमाम स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस इस स्टॉक से आप बाहर निकल जाइए, यही मेरा कहना है। और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।